70 का एवरेज बता रही है बाइक। तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग? सब बहुत ही ज़्यादा बढ़िया होंगे। तो आज हम करने वाले हैं टीवीएस रेडर 125 का माइलेज टेस्ट, प्रॉपर सिटी मोड के माइलेज का। हमने ऑलरेडी टेस्ट किया है, अगर आपने नहीं देखा वीडियो तो आप चैनल पे आकर चेक कर सकते हो कि कितना माइलेज मिला। तो अगर बात करें इस बाइक की, तो ये है 2023 का लेटेस्ट मॉडल और इस बाइक के अभी तक 1000 किलोमीटर हुए नहीं है और ना ही इसकी फर्स्ट सर्विस हुई है, और उसके अकॉर्डिंग देखेंगे इसमें क्या माइलेज मिलता है। और अगर बात करूँ माइलेज टेस्ट के ट्रिक की, तो इसका पूरा टैंक खाली करके फिर इसमें 1 लीटर डाल के वैसे टेस्ट नहीं करने वाले हैं। तो पहले हम इसका टैंक पूरी तरीके से फुल करेंगे, फिर बाद में इसको अच्छा खासा हाईवे पर चलाएंगे, वो भी एक कॉन्स्टेंट स्पीड पर चलाने वाले हैं, फिर बाद में इसको वापस टैंक रिफिल कराएंगे, फिर बाद में इसका प्रॉपर माइलेज कैलकुलेशन करेंगे। और आपको भी मैं सजेस्ट करता हूँ कि आप वो बेवकूफ़ी मत करना कि 1 लीटर पेट्रोल डाल के, मतलब टैंक को पूरे तरीके से क्लियर करके, खाली करके 1 लीटर पेट्रोल डाल के माइलेज टेस्ट करने वाली बेवकूफ़ी आप प्लीज़ मत करना, क्योंकि ये BS6 का इंजन है, मतलब पुरानी गाड़ियों में चलता है, आप करना चाहो कर सकते हो, लेकिन उससे भी बाइक पे थोड़ा सा फ़र्क पड़ता है। लेकिन अगर BS6 की गाड़ी है, प्लीज़ ऐसी बेवकूफ़ी मत करना। अगर आप करो तो भाई आपकी बाइक आपकी मर्ज़ी। धूप में तो यार बहुत ज़्यादा पसीना पसीना हो चुका है, फटाफट चलते हैं पेट्रोल पंप पे और वहाँ पे टैंक फुल कराते हैं, फिर वहीं से आपको बताते हैं। तो पेट्रोल पंप तो पहुँच चुके हैं, वेट करते हैं वहाँ पे टैंक फिलअप करवाने का। हाँ फुल कर दो एकदम, पूरा भर दो। अरे पूरा भर दो भाई, पूरा ऊपर तक आने दो। मैं वो टंडा डाला था, मुझे लगा फुल ही है, और ऊपर तक आने दो, भरने दो जितना भरता है। कितना भरेगा यार? भर दो पूरा, और भरो और भरो और भरो और भरो, आएगा ऊपर तक आना चाहिए पूरा। ये आ गया ऊपर, देख लो। और ऊपर हो गया हो गया हो गया हो गया हो गया भाई, कुछ ज़्यादा ही ऊपर हो गया। आप सब लोगों ने देखा टैंक तो हमने फुल करा लिया है, अब ट्रिपोमीटर कर देते हैं जीरो पे। ये इसको जीरो पे करने के लिए आपको सिंपली सेट वाला बटन दबा के रखना है। इसको जीरो पे हो गया ट्रिप ए, अब चलाएंगे इसको हाईवे पे। कंप्लीट हो चुका है और बाइक चल चुकी है ऑलमोस्ट 19 किलोमीटर पूरी चल चुकी है। अब वापस टैंक रिफिल करवाएंगे इसका और देखेंगे कि यार हाईवे पे कितना माइलेज देती है। अभी यहाँ पे पहुँच तो चुके हैं पेट्रोल पंप पे, लेकिन लाइन काफ़ी ज़्यादा लंबी है, तो वेट करते हैं, और कोई ऑप्शन भी नहीं अपने पास। बाइक में एक बार पेट्रोल चेक करूँ तो पेट्रोल देख लेते इसमें कितना है अभी। ये तो टंकी अभी तक भरी हुई है, लेकिन फिर भी बाइक को डबल स्टैंड पर डालेंगे और वापस इसमें रिफिल कराएंगे, जितना भी 30 रुपीज़, 40 रुपीज़, 20 रुपीज़, 50 रुपीज़ जितने का भी आएगा उतना। बंद करते हैं, भरो भरो भरो, जितना आता है उतना भरो। कहाँ जाएगा सर इसमें? जाएगा, बहुत आएगा, अभी देखते हैं इसमें कितना पेट्रोल आता है। आने दो, पूरा भर दो, पूरा भर दो। क्या सर आपकी भर दो, जाने दो जाने दो, बस एकदम पूरा भर चुका है। तो दोस्तों फाइनली हाईवे का माइलेज टेस्ट खत्म हो चुका है और ये बाइक ने, कसम से बता रहा हूँ यार, जो रिजल्ट दिया है ना, बहुत ही ज़्यादा दिल खुश हो गया और दिन तो बड़ा ही खुश हो गया, सच में बता रहा हूँ। इस बाइक ने दिया 75 प्लस का माइलेज, मतलब इतना ज़्यादा शॉकिंग रिजल्ट था, मैं खुद यकीन नहीं कर रहा था कि इतना माइलेज इसने कैसे दे दिया। और अगर आपको यकीन नहीं होता तो मैं यहाँ पे आपको बता दूंगा कि कितना किलोमीटर बाइक चली है और कितना पेट्रोल उसने कंज्यूम किया है। तो सच में यार 75 प्लस का माइलेज और अभी तक इसकी फर्स्ट सर्विस भी नहीं हुई है बाइक, और जो मैंने स्पीड मेंटेन की थी वो थी 40, और सच में यार मैंने सोचा नहीं था ये बाइक इतना ज़्यादा माइलेज देगी, मतलब 75 प्लस का। और इसका अगर इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर ऑन करूँ, ये ऑन किया और यहाँ पे रेंज एवरेज, हाँ एवरेज बता रहा है 68 किलोमीटर पर लीटर का, और ये अभी को मैंने थोड़ा ऊपर नीचे मतलब कांस्टेंट स्पीड पे नहीं रखी थी, इसलिए ये माइलेज वापस थोड़ा सा डाउन हो गया, नहीं तो अभी 70 बता रहा था। और एक्चुअल में 70 भी नहीं दे रही, 75 का ये माइलेज दे रही है बाइक, मतलब सच में इतना ज़्यादा शॉकिंग ये था
क्या ही बताऊं यार, मतलब सच में यार मजा आया। मैं अच्छा खासा बाइक पे घूम के आया, कांस्टेंट स्पीड मैंने मेंटेन की, ऐसा नहीं कि ऊपर नीचे की, 40 की स्पीड मैंने मेंटेन की थी। व्यू तो आपने देख ही लिया यार, कितना बढ़िया व्यू था। और जो अभी अभी फ्रेश हाईवे बना है उस पर ही मैंने माइलेज टेस्ट किया था, और बहुत ही अच्छी रोड थी वहाँ पे, ट्रैफिक भी बिल्कुल नहीं था। वो था शायद से पुणे जाने का, नहीं एक तो हाईवे था बॉम्बे टू अहमदाबाद वाला, जहाँ पे मैंने इसका माइलेज टेस्ट किया था, और कसम से यार मजा आ गया। 75 का माइलेज दे रही है, मतलब ये फर्स्ट सर्विस से पहले इतना एक्सपेक्टेशन, सच में बता रहा हूँ यार, मेरे हिसाब से इतना ज्यादा माइलेज हीरो की स्प्लेंडर और बजाज की प्लेटिना भी नहीं देती है। ऐसा नहीं है कि मैं इसका माइलेज टेस्ट निकाल रहा हूँ तो मैं इसकी तारीफ कर रहा हूँ, पहले मैं आपको बता देता हूँ कि ये कोई स्पॉन्सर वीडियो नहीं है, टीवीएस वालों ने या कोई किसी ने भी मुझे स्पॉन्सर नहीं किया है, लेकिन यार कर देते तो मजे ही मजे होते। मतलब यार 75 प्लस का माइलेज, वो भी बाइक की फर्स्ट सर्विस से पहले, कसम से सल्यूट टू टीवीएस यार, मजा आ गया। अब देखते हैं फर्स्ट सर्विस के बाद कितना माइलेज मिलता है बाइक में। सच बता रहा हूँ यार, मेरा मन तो बोलते बोलते जा रहा है, और ज़्यादा बोलते बैठा तो यार वीडियो कुछ ज़्यादा ही लंबा हो जाएगा, तो फटाफट शॉर्ट एंड सिंपल में वीडियो खत्म करते हैं, क्योंकि सच में बता रहा हूँ मुझे पता नहीं कितना लंबा वीडियो बन चुका है, एडिटिंग करूंगा तब पता चलेगा कितना लंबा वीडियो है, हो सके उतना शॉर्ट एंड सिंपल में खत्म करूंगा। तो आज की वीडियो के लिए वैसे इतना ही दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, होप सो मुझे पता है आपको अच्छा लग गया, तो लाइक का बटन दबा देना, शेयर का बटन दबा देना, जिन भी दोस्तों के पास टीवीएस रेडर है उनको शेयर कर देना, नहीं है जो लेने वाले उनको भी शेयर कर देना, जिनको चाहिए बाइक उनको भी शेयर कर देना, सबको शेयर कर दो यार, पूरी जगह पे शेयर कर दो। करना परेशान हो गए हम लोग 2.5 साल से, ये भी परेशान हो गए, हम भी परेशान हो गए, करो फिर, और सब्सक्राइब कर दो चैनल को, सब्सक्राइब करना मत भूलना। तब तक के लिए टेक केयर, सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। कहाँ जा रही हो इतने जल्दी, सब्सक्राइब तो करके जाओ यार।